अस्सलाम वालेकुम या कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रीडर्स, ये मेरा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग नावल है। प्लीज़ इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। आए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आहान इतनी जल्दी उसे बख्शने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके कैचर में मुकीद बालों को हाथ बढ़ाकर उसने आज़ाद किया था, जो एक आबशार की तरह दोनों के गिर्द फैल चुके थे। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो, अशमल उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोले। और मेरी बीवी को ये पता होना चाहिए कि मैं कभी किसी की गलती माफ़ नहीं करता। आहान उसके बालों में चेहरा छुपाते खुमार आलूद लहजे में बोला था, जब उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ था। अशमल जल्दी से उससे दूर हुई थी, लेकिन आहान की तबीयत पर ये मदाखलत सख्त गिरा घुस रही थी। आहान के गुस्से से पूछने पर मुलाजमा बाहर से ही नाश्ता लग जाने का पैगाम देती वहाँ से हट गई थी। सब बताया है सफिया ने मुझे, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हारे बाप और भाई के सामने तुम्हारे सारे करतूतों को खोल कर रख दूंगी। हाजरा बेगम पास सर झुकाकर खड़ी हिना पर गरजते हुए बोली। जब अशमल ने ड्राइंग रूम में कदम रखा था, आहान आज सुबह ही किसी काम से शहर जा चुका था। अशमल जानती थी कि वो अपनी उस गर्ल फ्रेंड से ही मिलने गया होगा। कल फ़ोन पर उसे यही तो कह रहा था। अशमल को इस तरह खामोश होकर एक जगह बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो कमरे में बैठ बैठ कर तंग आ चुकी थी। हाजरा बेगम भी उसे कितनी बार बाहर आने का कह चुकी थी, इसलिए वहाँ आई थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए थे। लेकिन हाजरा अम्मी, उस दिन आरफिन भाई ने हिना को बात करने के लिए रोका था, इस सब में हिना का कोई कसूर नहीं। सफिया बेगम ने हाजरा बेगम को उस वाक्य के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया था और हाजरा बेगम ने पहले कब उनको बेइज्जत करने का मौका हाथ से जाने दिया था जो अब ऐसा करती। तुम चुप करो लड़की, तुमसे बात नहीं कर रही मैं, तुम्हारे भी कुछ ज़्यादा पार निकल आए हैं, मैं करती हूँ तुम्हारा भी बंदोबस्त। हाजरा बेगम हफ्सा की तरफ नागवार लहजे में देखते हुए बोली। हफ्सा ने एक अफसोस भरी नज़र आंसू बहाती अस्मा बेगम पर डाली थी, जो ना कभी अपने हक के लिए लड़ी थी ना आज उनकी हमायत में कुछ बोल पाई थी। अस्सलामु अलैकुम, कब से बाहर खड़े ये सब तमाशा देखते आखिरकार अशमल ने अंदर कदम रखा था। वालेकुम अस्सलाम बहू, आओ बैठो। हाजरा बेगम सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते अशमल को देख के खुश दिली से बोली। उसे अंदर आता देख हिना जल्दी से अपने आंसू साफ करते रुख मोड़ गई थी। हाजरा बेगम ने अशमल से उसके घर वालों का पूछते हिना से उसका ध्यान हटाना चाहा था। वो नहीं चाहती थी कि अशमल को इस बारे में कुछ भी पता चले और बात आहान तक पहुँचे। हाँ बोलो, कुछ पता चला? आहान फोन कान से लगाए अपने ऑफिस से निकलते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। व्हाट, और तुम मुझे अब बता रहे हो? कितने दिन हो गए हैं इस बात को? दूसरी तरफ की बात सुनते आहान गुस्से से बोला। हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो मुझे। आहान उससे बात करके फ़ोन बंद करके गाड़ी में आ गया था। क्या हुआ है सलमान साहब को? हॉस्पिटल में पहुँच कर वो अपने आदमी जमाल के पास आते हुए बोला। आहान ने दो दिन पहले सलमान साहब का फ़ोन बंद होने की वजह से जमाल को उनके घर खबर लेने भेजा था, जिसके बारे में जमाल ने आज उसे खबर दी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक माइनर सा हार्ट अटैक आया है, लेकिन अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और आपके कहे के मुताबिक उनको पता लगे बगैर तमाम बिल क्लियर कर दिए हैं। आहान को वहाँ मौजूद देखकर कुछ फासले पर खड़ी हुमा ने हैरत से उनकी बातें सुनी थी। गुड, उनके आसपास ही रहो, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आहान उसे मज़ीद हिदायत देता वहाँ से निकल गया था। जब हुमा जल्दी से उसके पीछे बढ़ी थी, पहले उसका इरादा सलमान साहब से मिलने का था, लेकिन
फिर उनकी तबीयत के ख्याल से उसने उनसे मिलना मुनासिब ना समझा था। वो नहीं चाहता था उसे देखकर सलमान साहब की तबीयत मजीद ख़राब हो। एक्सक्यूज़ मी, आहान रज़ा मीर। आहान अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही था। अपना नाम सुनते आहान ने पलट कर पीछे देखा था। जी फरमाइए, आहान ने सवालिया अंदाज में हुमा की तरफ देखा था। मैं अशमल सलमान की सिस्टर हुमा हूँ, मुझे मेरी आपी से मिलना है। उसने हुमा को निकाह वाले दिन ही सरसरी सा देखा था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाया था। पहली बात तो ये कि अब वो अशमल सलमान नहीं, अशमल आहान है। और यहाँ तक रही मिलने वाली बात, तो ये अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपको मिलवा दूँगा आपकी सिस्टर से। आहान उसकी बात पर संजीदा अंदाज में बोला, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? हुमा की बात पर आहान ने अस्पात में सर हिलाया था। आपने उस दिन सिर्फ आपी को डराने के लिए आहद और बाबा के सर पर बंदूक रखी थी ना, ताकि वो निकाह के लिए मान जाए। हुमा उसकी तरफ देखती पुर यकीन लहजे में बोली, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? आहान ने जवाब देने की बजाय उससे सवाल किया था, क्योंकि मुझे लगता है आप इतने बुरे नहीं जितना आप खुद को शो करवाते हैं। अगर आप वाकई में वैसे होते तो उस दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आहत को ना बचाते, और आज ये सब जान करके हमें इस हॉस्पिटल का बिल पे करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिना बताए आप खुद सारा बिल पे ना करते। आहान ने हैरत से सामने खड़ी छोटी सी लड़की की तरफ देखा था। आप अपनी आपी से ज़्यादा अक्लमंद लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसे तो सिर्फ लड़ना ही आता है। आहान अशमल का जिक्र करते उससे बात करते पहली बार मुस्कुराया था। जी नहीं, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं, उन जैसा कोई नहीं है। हुमा उसके ऐसे जवाब पर मुंह फुलाते हुए बोली। जब उसकी बात की ताईद आहान रजा मिल के दिल ने भी की थी, तो फिर कब ला रहे हैं आपी को? उसकी खामोशी पर हुमा ने एक बार फिर पूछा था। जब आहान उसे जल्द ही अशमल से मिलवाने का वादा करता हुआ वहाँ से निकल गया था। आहान, तुम तो मायरा से मिलने गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? या तुम उसकी तरफ गए ही नहीं? आहान अभी आधा घंटा पहले हमाद के बेहद असरार पर मायरा से मिलने गया था, क्योंकि हमाद के मुताबिक मायरा ने पिछले एक हफ्ते से आहान से मिलने के लिए उसका सर खाया हुआ था। वो एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। उसने हमाद के साथ आहान को एक पार्टी में देखा था और तब से उनसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। हमाद उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर हैरानी से बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ यार, तबीयत तो ठीक है, पर लगता है दिमाग ख़राब हो गया, आहान ने उकताए हुए लहजे में बोलते सिगरेट जलाकर मुंह से लगाया था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, उसकी तरफ देखते हुए बोला। आज जब मैं मायरा के पास बैठा था तो मुझे उसकी शक्ल में अशमल नज़र आने लगी। छोटे छोटे बालों में अशमल के लंबे बाल समझकर तारीफ करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो मेरे हवासों पर इतना सवार क्यों हो रही है? आहान की बात सुनकर हमाद से अपना कहका रोकना मुश्किल हो गया। हाँ, और मायरा का क्या रिएक्शन था आगे? उसके हंसने पर आहान ने उसे सख्त नजरों से घूरा था। क्या रिएक्शन होना चाहिए, उस बेचारी हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं तबीयत खराबी का बहाना बनाकर वहाँ से उठ गया। ओ माय गॉड, क्या मैं देख रहा हूँ आहान रजा मीर अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से इतनी हसीनाओं को दीवाना बनाने के लिए आज खुद किसी का दीवाना बन चुका। तुम हमेशा से यही कहते आए हो ना कि आहान रजा मीर को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, तो मान लो मेरी बात कि तुम भी अब उस मर्ज का शिकार हो चुके हो। ये लो, पियो इसको, शायद दिमाग कुछ जगह पर आ जाए, हमाद उसकी हालत उस पर बयान करता हुआ बोला और वाइन से भरा गिलास उसके सामने रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चंद दिनों की अट्रैक्शन है। आहान उसकी बात का इनकार करते वहाँ से उठा था।
आज तो उसका शराब को हाथ लगाने पर भी दिल नहीं किया था। कहाँ जा रहे हो? हमाद ने उसे उठता देख सवाल किया था। गाँव, आहान ने रुक कर मुख्तसर सा जवाब दिया था। बस इसी बात से ही अंदाज़ा लगा लो तो, हमेशा महीने बाद गांव का चक्कर लगाते हो और इस बार 2 दिन भी नहीं रुका गया तुमसे, हमाद हंसते हुए बोला, जब आहान कुछ भी बोले बगैर उसे घूरी से नवाजता बाहर की जानी बढ़ गया था। आहान कुछ देर गाड़ी में बैठे गांव ना जाने का सोचता रहा था, लेकिन उसका दिल इस बात से इनकारी था। ना चाहते हुए भी दिल की जिद पर उसने गाड़ी गांव की तरफ मोड़ ली थी। हमाद की बात तो वो सख्ती से मुस्तरद कर आया था, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि अशमल उसके लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। उसके बगैर शहर में ये 2 दिन भी आहान के बहुत मुश्किल से गुजरे थे और इन 2 दिनों में हमाद के इतने असरार पर भी वो शराब को हाथ भी नहीं लगा पाया था। अभी तो उसने अशमल से कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं बना पाया था, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचते बिन पिए ही बहक जाता था। अशमल का लड़ता झगड़ता रूप तसव्वुर में आते एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने आहान के चेहरे को छुआ था। अशमल एक चका बैठे बैठे तंग आ चुकी थी, इसलिए वो पूरी हवेली देखने के लिए कमरे से निकल आई थी। वो राहदारी से गुजरी थी जब उसकी नज़र दाईं तरफ बनी सीढ़ियों पर बैठे हिना पर पड़ी थी। हिना भी उसे देख चुकी थी, इसलिए जल्दी से दुपट्टे से अपने आंसू साफ करती अपनी तरफ आती अशमल को देख वो मुस्कुराई थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी भाभी, क्यों नहीं बैठे प्लीज़। मैं जानती हूँ ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने नोट किया है कि आहान की मदर का रवैया आप लोगों के साथ बहुत तोहीन आमेज। ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ भाभी। पास आती हफ्सा अशमल की बात सुनते जल्दी से बोली थी, जब हिना ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। भाभी, अब तो आप इस घर की बहुत अहम फर्द है, आपको ख़ानदान की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। हफ्सा हिना के इशारों को इग्नोर करती बोली और अशमल को अपने हालात और हाजरा बेगम के रवैये के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताती चली गई। अशमल को उनके बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ था और साथ ही आहान की इतनी तारीफ उससे हजम नहीं हो पाई थी। भाभी, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? बाबा ने ममा से शादी की मगर कोई बेटा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हाजरा अम्मी से दूसरी शादी कर ली और हाजरा अम्मी से उन्हें बेटा हुआ और हाजरा अम्मी ने इस सारी हवेली पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई ना, आप लोगों का भी उस सब पर उतना ही हक है जितना उनका, और आप लोगों को भी उनके बराबर ही इज्जत मिलनी चाहिए। हाजरा बेगम की ख़ास मुलाजमा उन तीनों को वहाँ इकट्ठा बैठा देख चुकी थी। उसके बताने पर हाजरा बेगम फौरन वहाँ पहुँची थी और अशमल की आखिरी बात भी सुन ली थी। मौका मिलते ही शुरू हो गई तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें तैयार करने। आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बहू, तुम्हें अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इसलिए तुम इन मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ क्या सही है क्या गलत। और तुम दोनों, ये जो अपनी भाभी के आंचल में छुपकर मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हो, ये बात मत भूलो कि यहाँ पर हमेशा से मेरी चलती है और आगे भी ऐसा ही होगा। चंद दिनों के लिए आने वाले लोगों से उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तरफ देखते हाजरा बेगम ने अशमल पर तंज करते हुए कहा, क्योंकि उनसे अशमल के तेवर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। देखिए, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ और आपसे भी उसी की उम्मीद रखती हूँ। अशमल उनकी बात पर जब्त से काम लेती आराम से बोली, इज्जत? बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें मेरा बेटा कैसे लाया है और तुम किसी भी तरह भी हमारे ख़ानदान की शान और शौकत के काबिल नहीं हो। ये 1-2 दिनों की मिली अहमियत ने लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया। तुम जैसी कितनी आई और कितनी गई हैं उसकी ज़िंदगी से, बहुत जल्द ही उसका दिल तुमसे भी भर जाएगा, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाने की ज़रूरत नहीं है।
हाजरा बेगम नकवत से अशमल की तरफ देखते हुए बोली, जब उसी वक्त अहान ने अंदर कदम रखा था। क्या हो रहा है यहाँ? हाजरा बेगम की आखिरी बात सुनते हुए वह सख्त तासुरात से बोला था। उसे उनसे ऐसी बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अहान बेटा तुम? उसे इस तरह अचानक वहाँ देख हाजरा बेगम एक पल के लिए वो खला सी गई थी। अशमल कुछ भी बोले बगैर नफरत भरी नजरों से अहान की तरफ देखती वहाँ से निकल गई थी। माँ, आपसे मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर आपको सारी बातों का पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह अशमल को बेइज्जत करेंगी, जिसकी इस सब में कोई गलती भी नहीं है। मेरी लाइफ में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आप कभी जान ही नहीं सकती। अहान हाजरा बेगम को सख्त लहजे में समझाते हुए बोला, अहान तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपकी बात का मतलब जो भी था, लेकिन मेरी बात भी अच्छे से सुन ले। अशमल मेरी बीवी, मेरी इज्जत है। मैं किसी सूरत उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने उससे शादी चंद दिनों के लिए नहीं की। वो मेरी मोहब्बत है और हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगी। आपको इस बारे में गलत फहमी है, उसे दूर कर लें। अहान उन्हें अच्छे से बावर करवाता वहाँ से निकल गया था। तुम रो रही हो? अहान कमरे में आते अशमल की सुर्ख आंखें देखकर उसकी तरफ बढ़ा था। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बातों की वैल्यू मेरे नज़दीक इतनी नहीं है कि मैं उन पर आंसू बहाऊँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और हाँ, और हर उस शख्स से जो तुमसे मुंसलिक है। अशमल गुस्से से अहान पर चिल्लाते हुए बोली, अशमल बिहेव योर लैंग्वेज। अगर मैं तुम्हारी हर फजूल बात और हरकत बर्दाश्त करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। तो किसने कहा है मुझे बर्दाश्त करो? तुम्हारे नज़दीक लड़कियों की अहमियत इतनी है ना कि तुम उनको यूज़ करके फेंक देते हो और फिर कोई नई लड़की पसंद आ जाती है। और तुम मुझे भी तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िद और अना में अपने नफ्स की प्यास बुझाने लाए हो ना? तो ठीक है ना, मैं खुद को तुम्हारे सामने पेश कर रही हूँ। अपना मतलब पूरा करो और तलाक दो मुझे। अशमल बिल्कुल अहान के सामने खड़े होते हुए बोली। अशमल कब से उसकी बातों पर जब्त करते गुस्से से अहान का हाथ उठा था, लेकिन अशमल तक पहुंचने से पहले ही उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया था। मारो ना, रुक क्यों गए? तुम जैसे कमज़ोर मर्द से और तवक्का ही क्या की जा सकती है? अशमल उस वक्त गुस्से में जो मुँह में आया बोलती गई थी। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।